आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चुरमुरा, जो कि कहीं इसको भेलपूरी और कहीं झालमूली भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें ये चाहिए लाई, जो कि कहीं इसको मुरमुरा बोलते हैं, पफ्ड राइस बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप समझते हो, ये चाहिए। उसके बाद हमें नमकीन की जगह चाहिए ये बूंदी, नमकीन भी आप यूज़ कर सकते हो, ये बूंदी बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसलिए मैंने ये बूंदी यूज किया है। और ये टमाटर, टमाटर के बाद इसमें ये कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए खीरा, ये धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, काला नमक, सफ़ेद नमक और ये चाट मसाला। अगर इसमें और भी आपको खट्टापन चाहिए तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हम इसमें ये प्याज, उसके बाद मिर्ची, खीरा और ये धनिया पत्ती। ये टमाटर, टमाटर सूखा ही डालना आप, इसका जो पानी है ये रस है ये मत डालना, क्योंकि फिर ये गीला गीला सा हो जाएगा। उसके बाद नमक, ये काला नमक आधा चम्मच और इतना ही सफ़ेद नमक चाहिए। बाद में आपको टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये मैं चाट मसाला डाल देती हूँ आधा चम्मच, आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हो। और सारा कुछ डाल के खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम डाल देते हैं अपनी ये नमकीन वाली बूंदी, और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। उसके बाद आप इसको वैसे भी खा सकते हो, आपको चाय के साथ खाना है तो आप इसको चाय के साथ खा सकते हो, बच्चों को देना है तो आप बच्चों को दे सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको इंजॉय कीजिए। तो ये हमारा टेस्टी टेस्टी सा तैयार है चुरमुरा। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं और कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड बेल आइकन दबाना ना।